बिग बॉस का 13वां सीजन चल रहा है। इस बार जहां एक तरफ बिग बॉस लव ट्रायंगल्स की वजह से सबको मजेदार लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस को बंद करवाने की खबरें आए दिन उड़ती रहती हैं। हर सीजन में किसी न किसी कंटेस्टेंट की जिंदगी से जुड़े बड़े खुलासे होते हैं। इसी तरह अब टारगेट पारस और सिद्धार्थ शुक्ला बने हुए हैं। ये बात हम सबको पता है कि एक समय पर एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के सिद्धार्थ के साथ अफेयर की चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही थी, लेकिन आकांक्षा और सिद्धार्थ दोनों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था और इस टॉपिक को तभी बंद कर दिया गया। बता दें, ये बात तब की है जब सिद्धार्थ कलर्स टीवी के शो दिल से दिल तक में काम किया करते थे, तो उन्होंने रश्मि देसाई से किसी कारण अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। बताते चले, पारस छाबड़ा का अफेयर उस समय पवित्रा पुणे से चल रहा था। दरअसल अब बिग बॉस के एपिसोड में पारस और सिद्धार्थ के बीच किसी बात पर बहस हो जाती है। पारस ने सिद्धार्थ से पूछा कि सिद्धार्थ तू क्या चाहता है। इस पर सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि तू किसी भी बात को अंडरस्टैंड नहीं करता। मैं बता दूं, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। सिद्धार्थ ने इस वर्ड को अलग अलग करके बोला, जिसका मतलब ही कुछ और था। पारस ने इस बात का सीधा जवाब ये दिया कि अच्छा, तभी तो तेरी वाली मेरे पास है। पारस के इस बात को बोलने के बाद से ये चर्चाएं हर जगह चल रही हैं। बताते चलें, पारस अभी आकांक्षा पुरी को डेट कर रहे हैं और ऐसी खबरें थी कि सिद्धार्थ आकांक्षा पुरी को भी डेट कर चुके हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब। और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।